देखो बेटा काम की चीज सीखो, जब भी एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा तब इंटीग्रेशन लगाएंगे। जैसे ये सवाल आपको दे रखा था एट टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो पर वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है, अंडर द एक्सेलरेशन ए इक्वल टू 60, तो पूछ रहा था 4 सेकेंड बाद वेलोसिटी क्या होगी। वैसे तो 4 सेकेंड बाद वेलोसिटी निकालने के लिए लोग बी इक्वल टू यू प्लस एटी लगाते हैं, लेकिन ये नहीं लगा सकते क्योंकि हमारा एक्सेलरेशन क्या है, वेरिएबल। तो जब भी एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा तो हम इंटीग्रेशन का उपयोग करेंगे। अब हमें 4 सेकेंड बाद की वेलोसिटी चाहिए, शुरुआत में वेलोसिटी 4 है, तो कैसे करेंगे। देखो जब भी एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा तो इंटीग्रेशन लगाएंगे, एक्सेलरेशन बराबर 60, एक्सेलरेशन को ब्रेक कर लो डीवी बाई डीटी में, डीटी को बराबर के उधर लेते जाओ, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो। उसके बाद जहां डीटी लिखा है वहां टाइम की रेंज रखो, जहां डीवी लिखा है वहां वेलोसिटी की रेंज रखो। टाइम की रेंज कहां से, 0 से लेकर 4 सेकंड। अरे भाई 4 सेकंड बाद की वेलोसिटी चाहिए, और 0 सेकंड पर शुरुआती वेलोसिटी कितनी है, 4 सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड। 4 सेकंड बाद की वेलोसिटी निकालनी तो रेंज हो जाएगी 4 से v, 6 को उठा के बाहर निकाल लो, t dt का इंटीग्रेशन t स्क्वायर / 2 हो जाएगा, रेंज 0 से 4, dv का इंटीग्रेशन v हो जाएगा, रेंज 4 से v, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लो v - 4, यहां 3 रहेगा, 4 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर रहेगा, 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 3 48, और 4 उधर ले जाओ, 16 40 प्लस 4 52 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। सबसे बड़ा कोड वर्ड याद रखिए, जब भी एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा तो क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन लगाकर ही हम वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का स्टेप बना सकते हैं।